आप दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में विकास किसको कहते हैं इसका बहुत समय के बाद परिचय कराया, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी जिनको विधानसभा में बोलते ही गहलोत साहब को डर लगता है, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे साथी मंत्री कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, श्री नितिन पटेल जी पूर्व उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी राजस्थान चुनाव, श्री कनकमल कटारा जी, कनकमल जी खड़े हुई है, कनकमल कटारा जी, अर्जुन लाल मीणा जी, सुश्री दिया कुमारी जी, और आज यहां वागड़ और मेवाड़ से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे हृदय के साथ बचे हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज बागेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध करकर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया। ये भूमि महाराणा प्रताप, बापा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की भूमि है। यहां पर तरई माता का मंदिर, सालेश्वर मंदिर, बोरेश्वर महादेव, घोरेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव का मंदिर और माई त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से हमेशा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं करके पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 20 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी,
सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जो इसका हिसाब दीजिए, बोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं भाइयों बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली, आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए कितना। और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की किरण न्याय किया राजस्थान को। इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर जैसलमेर किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहाँ मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, 1,10,00,000 घरों में कनेक्शन जाने वाला है, इसमें से 43,00,000 घरों में नल से जल का कनेक्शन समाप्त कर दिया है। बाकी जो रह गए हैं उनको भी ये अशोक गहलोत सरकार अंदर कपड़े घोटाले कर रही, पैसा मोदी जी भेज रहे हैं वो खा जा रही। मगर जैसे ही सरकार बदलेगी, भाजपा सरकार आप बनाओगे, बाकी सारे कनेक्शन भी हम तुरंत ही समाप्त कर देंगे। लगभग 1,25,000 लाभार्थियों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। 86,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 करोड़ कार्ड, 4 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। भाई वागर वालों, बताओ दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे हैं या नहीं लगे हैं? एक पैसा देना पड़ा है क्या? तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने पूरे राजस्थान को कोरोना से मुक्त करने का काम किया। लगभग 5,00,000 बहनों को उज्ज्वला योजना दिया, 18,00,000 गरीबों को घर देने का काम किया। गहलोत जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया, ये तो कुछ नहीं है, 10% बताया है। मगर आप में हिम्मत है तो जयपुर में सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के अलावे कुछ नहीं किया। माताओं भाइयों बहनों, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली, 10 साल में 12,00,000 करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे,
अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मगर अब चुनाव आया है, यूपीए पर 12 लाख करोड़ का ठप्पा लगा है, भ्रष्टाचार लगा है, और साथ में मन में अहंकार है कि हमारे बिना देश में काम कौन कर सकता है, राज कौन कर सकता है। उनका यह अहंकार है, घमंड है, देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है। और मोदी जी तो गरीब माँ के पेट से जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का गरीब बेटा है भाई, ये लोग सहन नहीं कर सकते। गठबंधन जो बनाया है उनको अपना नाम बदलना पड़ा। हमारे गुजरात राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते है भाई, जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले। इनकी आबरू का दिवाला निकला है, उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। अबे इंडी अलायंस, 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हो सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, अब संख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है ये देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, माताओं भाइयों बहनों, उन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार है राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, ये गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अभी शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी नहीं। अब जिनके नेता ऐसे हो, जिनकी पार्टी ऐसी हो, वो गहलोत जी भी क्या कर सकते हैं, पूरे राज्य
राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति करकर पूरे राजस्थान में असलामती का इनसिक्योरिटी का वातावरण करा। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। मेवाड़ उदयपुर में रामनवमी के दिन भगवी जलाए उतारी। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या भी धर्मांध लोगों ने कर दी। करौली में हिंसा के बाद हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। विजयादशमी में पथ संचलन पर प्रतिबंध लगाया। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया। और सांप्रदायिक तनाव की आग में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नोहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में भी दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। भाइयों और बहनों, सलासर ने राम दरबार को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया, गौशाला भी गिरा दी। मुझे बताओ, ये दंगा कराने वाली, तुष्टिकरण को अपनी नीति बनाने वाली गहलोत सरकार चलानी है क्या? अरे जोर से बोलो, चलानी है। मैं इसीलिए आज आया हूँ, ये यात्रा के समर्थन में समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े और एक संकल्प ले कि 2023 में फेंक देना है। मुझे बताइए, आप ये करेंगे पक्का? राजस्थान के तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 14 में हम आए 55% वोटों के साथ, 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी को दे दी। 19 में हम आए 61% वोट और 25 की 25 सीटें मोदी जी को दे दी। अब 24 में चुनाव है भाई, राजस्थान क्या करेगा? 24 की 25 की 25 सीटें देंगे क्या? पक्का देंगे? जोर से बोलो, पक्का देंगे? मगर उसके पहले एक चुनाव है, 2023 में विधानसभा का चुनाव है। जब तक आप विधानसभा में अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ नहीं करते हो, तब तक राजस्थान का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने मैं जो आगे बताया, ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की 20 सालों में। गुजरात और देश में मिलकर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की, 7 करोड़ गरीबों का भला किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? उन्होंने इस 20 साल में राहुल गांधी को 20 बार लॉन्च करा और 20 बार राहुल गांधी का लॉन्चिंग फेल हो गया। बताओ भाइयों बहनों, ये कभी जनता का विकास नहीं कर सकते। मैं आज यहाँ बताने आया हूँ कि अशोक गहलोत की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। अशोक गहलोत की सरकार महिला सुरक्षा में विफल सरकार है। लगभग हर रोज महिलाओं के साथ बदसुलूकी के 19 मामले आ रहे हैं और बलात्कार के मामलों में पूरे देश में 22% केवल और केवल राजस्थान के मामले हैं। बताओ भाइयों बहनों, अशोक गहलोत जी हिंसा को भी नहीं रोक सकते, दंगों को भी नहीं रोक सकते, और आजकल उनको एक तकलीफ हो गई। कोई भी लाल कपड़े पहनकर आता है, उनको लाल कपड़े की जगह लाल डायरी ही दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है ना लाल डायरी क्या है? मालूम है या नहीं है? मैं फिर से बता देता हूँ, ये लाल डायरी के अंदर अशोक गहलोत के सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। और ये लाल डायरी गहलोत जी हमने नहीं दी है, आपकी सरकार के मंत्री ने ही एक लाल डायरी दी है। वो लाल डायरी में खनन विभाग के 66,000 करोड़ के घपले का जिक्र है, खनन पट्टे के 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, उदय सागर झील के
2000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र है, शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का जिक्र है, सचिवालय में अलमारी में से 2,31,00,000 रुपया और 1 किलो सोना निकला, इसका जिक्र है, काली सिंह बांध के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जिक्र है और गरीबों के गेहूं चावल में भ्रष्टाचार का जिक्र है। बताओ भाइयों बहनों, जिस अशोक गहलोत ने इतने भ्रष्टाचार किए उसको चुनना चाहिए क्या? कांग्रेस को चुनना चाहिए क्या? एक ही विकल्प है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। अरे गहलोत साहब जो है ना, ये जादूगर, अच्छी अच्छी चीजें घूम कर, मैंने बचपन में कई जादू देखे हैं, कोई रूमाल घूम कर देता था, कोई टोपी घूम कर देता था, कोई कलम घूम कर देता है। राजस्थान में से अशोक गहलोत ने पूरी बिजली ही घूम कर दी। बोलिए, घूम हुई या नहीं हुई बिजली? तो जादूगर साहब ने सारी स्वास्थ्य सेवाओं को गुम कर दिया, युवाओं की रोजगारी को गुम कर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को भी ये जादूगर अशोक गहलोत ने गुम करने का काम किया है। हमें खेल करने वाले जादूगर का काम नहीं है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले अच्छे मुख्यमंत्री का काम है। माताओं भाइयों बहनों, मैं अंत में दो ही बात करना चाहता हूँ। ये घमंड या गठबंधन जो है, ये इंडी अलायंस जो है, उसने उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। आजादी के 75 साल हो गए, रामलला टेंट में बैठे थे, मोदी जी को दोबारा आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कोर्ट से जजमेंट आया और मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मैं आज आपको कहने आया हूं, जनवरी महीने में जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जो संभाल कर रखो, जनवरी महीने में वही भूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वही भव्य राम मंदिर बनने वाला है। एक घमंडिया गठबंधन रोक नहीं सकता, इंडिया अलायंस कांग्रेस उसको रोक नहीं सकते। अरे बहुत रोक लिया आपने, जितना रोकना था वो रोक लिया, अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, आप इसको रोक नहीं सकते। बताओ बहनों भाइयों, मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? एक कांग्रेस सरकार, इंडी अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को बचाई थी। आपने 25 की 25 सीटें दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पहुंचाकर अर्थतंत्र का फायदा गरीब व्यक्ति तक पहुंचा है। और यहां पर ये जो सरकार है ये मोदी जी को काम नहीं करने दे रही। आप मुझे बताओ, मोदी जी का साथ दे ऐसी भाजपा सरकार लाओगे क्या? जोर से सारे लोग बोले, भाजपा सरकार लाओगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? अशोक गहलोत सरकार उखाड़ फेंकोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित भाई का, गृह मंत्री जी का, मैं हम हमारे बीच में राहुल बाबा की दिशा और दशा कहा बिगाड़ी उसके लिए मैं हमारे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता उधमसिंह जी।
विशाल मंच पर इंडिया अलायंस के सभी प्रमुख नेता विराजमान हो गए हैं।